वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़े मज़े का यूनिक सा केक बनाने जा रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा ईद के हवाले से। ये बच्चों का फेवरेट है ईद स्पेशल चॉकलेट केक। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम अंडे ऐड करेंगे। फोर एग्स लिए मैंने, इसे मैंने निकाल लिए बड़े बाउल में। इसे अच्छे से आप बीट करूँगी, आप बीटर से भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से बीट करना है हमने, ये देखिए इसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। थोड़ी देर और करूँगी, काफ़ी फ्लफी हो गया है। एक कप हम शुगर लेंगे, पाउडर शुगर वो ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। पाउडर शुगर हमारी अच्छे से हल हो गई है। मैदा लिया मैंने एक कप, इसे अच्छे से मैंने छान लिया है। इसके अंदर हम कोको पाउडर डालेंगे, कोको पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हम चॉकलेट इस टाइम पे ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोको पाउडर ही डालेंगे, इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करूँगी अपने मिक्सर के अंदर, साथ साथ मिक्स भी करती रहूँगी। जो हाफ रह गया वो भी ऐड करूँगी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून लीला एसेंस, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। टू टेबल स्पून ऑयल, अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं मिक्सर हमारा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कोई भी पैन ले लें, इसको मैंने ग्रीस कर लिया। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया, बटर पेपर लगा के मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब मैं इसमें सारा मिक्सर ऐड करूँगी। मिक्सर मैंने डाल दिया है, इसे हल्का सा टैप करेंगे ताकि जितने भी बबल्स हैं वो सेट हो जाएं।
हल्का सा टैप करना है। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। ओवन मेरा अच्छे से प्री हीट हो गया है, 10 मिनट के लिए मैंने प्री हीट किया है इसको। अब मैं इस मिक्सचर को मैं 20 मिनट के लिए रख दूँगी ओवन में। केक हमारा बनके रेडी है, बहुत अच्छे से बेक हुआ है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ, सेंटर से कटिंग करूँगी, फिर मैं इसके सॉस तैयार करूँगी। देखिए मैंने सेंटर से कट कर लिया अपना केक, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से कट हुआ है। मैं चॉकलेट सॉस तैयार करती हूँ। ये मैंने हाफ कप इसमें मिल्क ऐड करूँगी, हाफ कप मिल्क है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, इसके साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी, प्याज साथ साथ अच्छे से मिक्स कर लें। इसे मैं ओवन में रखती हूँ, तकरीबन 2 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे, गर्म हो जाए। मैं इसे मिक्स करती हूँ, देखें इसे मैंने 2 मिनट के लिए ओवन में रखा, ये अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध और हमारी चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गई है। ना हमने ज़्यादा थिक रखनी है, ना ही इसे पतला रखना है, इस तरह होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हाफ कप मैंने मिल्क लिया है और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें ये शुगर सिरप। हाफ कप मैंने मिल्क लिया है, मिल्क के अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप, इसे अच्छे से ऐड करके मिक्स कर लूँगी। मिक्स हमारी हो गई है, अब मैं क्रीम लेती हूँ। क्रीम लिए इसे मैंने फ्रीजर में रखा था ताकि अच्छे से हमारी ठंडी हो जाए, और बिल्कुल ठंडी हो गई है हमारी। मैंने लिया 1 पैकेट 250 ml का हमारा पैकेट था, ये ऑल पर का लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे चॉकलेट सिरप, टू टेबल स्पून से हम अच्छे से फेंटेंगे, मिक्स करेंगे। आप हीटर से भी कर सकते हैं, मैं इसे हाथ के मदद से करूँगी। मैंने अच्छे से फेंट ली है, आप देख सकते हैं इस तरह होनी चाहिए, इतनी थिक होनी चाहिए हमारी ये। ये बहुत मज़े का केक बनेगा और बच्चों का बहुत फेवरेट है। मैंने उनसे काट लिया था, इस तरह हम शुगर ऐड करेंगे, ये अच्छे से ज़्यादा बदल जाएगा। दूध और चॉकलेट सीरम इसके अंदर ऐड है, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। इस तरह बहुत सॉफ्ट बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी, क्रीम भी हम इस तरह लगाएंगे। ये हमारी क्रीम है, चॉकलेट सिरप हम दूसरा पीस रखेंगे, सेम उसी तरह ही। सबसे पहले हम दूध और चॉकलेट सिरप का मिक्सचर, क्रीम ऐड करेंगे,
क्रीम ऐड कर दी है, थोड़ा सा मैंने चॉकलेट सीरम ऐड किया है और ये मैं डाल दूँगी चॉकलेट सीप, और भी अच्छा लगेगा। और केक हमारा बन के रेडी है, बहुत मज़े का बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखने में भी बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा है आपको ये मेरे केक की रेसिपी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।